Hello students and all the viewers, I am Mohammed Danish and today we are going to discuss about cube root of unity. तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को किस तरह से फाइंड करेंगे, देखते हैं आज के इस लेक्चर के अंदर. सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. तो सबसे पहले हमने क्या लेट कर लिया है कि जो हमारे पास x है वो यूनिटी की क्यूब रूट है, i.e. ये किस तरह से होगा, ये होगा x क्यूब इज इक्वल्स टू 1. यूनिटी का जो मैथ्स के अंदर मतलब होता है, यूनिटी का मतलब होता है 1. तो हम 1 यानी कि यूनिटी की क्यूब रूट्स को चेक करने जा रहे हैं. तो हमने लेट किया कि x जो है वो यूनिटी की क्यूब रूट है, तो x क्यूब इज इक्वल्स टू 1 हो गया. ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, x क्यूब ये यहाँ प्लस का 1 है, इस साइड आएगा माइनस 1 और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के. ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक फार्मूला बना लेते हैं कि a क्यूब माइनस हम 1 का क्यूब दे देते हैं और ये सारा का सारा इक्वल किसके है, 0 के इक्वल है. ओके, अब यहाँ पर ये हमारे पास एक फार्मूला बन चुका है, a क्यूब माइनस b क्यूब. तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये फार्मूला होता है बिकॉज a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास ये इस तरह से लिखा हुआ है, हम इसको जो है वो ओपन करके लिख देते हैं. देयरफोर x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हमारे पास इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के. तो ये हमने a क्यूब माइनस b क्यूब को जो है वो ओपन करके लिख लिया है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से x माइनस 1 को अलग से 0 के इक्वल लेते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हम अलग से 0 के इक्वल लेते हैं. तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, x माइनस 1 को इक्वल ले लेता हूँ 0 के. तो यहाँ पर जो मेरे पास x की वैल्यू आएगी, ये 1 प्लस माइनस का है वहाँ जाएगा, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा. तो x की जो मेरे पास एक वैल्यू आ चुकी है वो प्लस का 1 आ चुकी है. ओके, और सेकंड वैल्यू निकालने के लिए हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को अलग से जो है वो 0 के इक्वल रखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लगाते हैं इस इक्वेशन के ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं. ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, तो इसके अंदर जो हमारे पास a की वैल्यू है वो 1 है, जो b की वैल्यू है वो भी 1 है और जो c की वैल्यू है वो भी 1 है. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, हमने यहाँ पर जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है. क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a. ओके स्टूडेंट्स, सो x इक्वल हो जाएगा, अब इस फार्मूले के अंदर हम यहाँ से वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस b की वैल्यू हमारे पास 1 है प्लस माइनस रेडिकल b. तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास इसके अंदर b की वैल्यू है वो कितनी है, वो 1 है. तो हम यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू भी हमारे पास 1 है और जो c की वैल्यू है वो भी 1 है और अपॉन में 2 और a की वैल्यू 1 है. ओके स्टूडेंट्स, तो x इक्वल हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस रेडिकल 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये हमारे पास हो जाएगा 4 और अपॉन में हमारे पास हो जाएगा 2. ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास x इक्वल हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस, अब माइनस 4 में से मैं 1 को माइनस करूंगा तो माइनस 3 बच जाएगा, लेकिन मैं माइनस 3 को माइनस 3 लिखने के बजाय माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख देता हूँ. ओके स्टूडेंट्स, इसको मैंने क्या लिख दिया, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और अपॉन में 2. अब ये 1 3 से मल्टीप्लाई होकर दोबारा से हमारे पास क्या आ जाएगा, दोबारा से हमारे पास माइनस का 3 आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, अब हम बोलते हैं कि सर हमारे पास x इक्वल है माइनस 1 प्लस माइनस, इस माइनस के 1 का हमारे पास आयोटा बाहर आ जाएगा और रेडिकल में 3 रहेगा और अपॉन में हमारे पास 2 आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ चुका है x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस,
आयोटा रेडिकल 3 अपॉन में 2। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको प्लस वाले को अलग करके लिख देते हैं और माइनस वाले को हम अलग करके लिख देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मेरे पास एक्स इक्वल हो जाएगा किसके, माइनस वन प्लस आयोटा रेडिकल 3 अपॉन में 2 के। एंड जो मेरे पास सेकंड नंबर पर एक्स की सेकंड वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस वन माइनस आयोटा रेडिकल 3 अपॉन में 2। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक्स की जो है वो दो वैल्यूज यहाँ से आ चुकी है। मींस ये मेरे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स आ चुकी हैं वो दो आ चुकी हैं। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जो क्यूब रूट थी यूनिटी की हमने तीन क्यूब रूट्स निकाली हैं। सबसे पहली यूनिटी की जो क्यूब रूट हमने फाइंड की है वो हमने यहाँ से 1 फाइंड की है, और जो बाकी दो क्यूब रूट्स थे यूनिटी की वो हमारे पास क्या है, एक है माइनस वन प्लस आयोटा रेडिकल 3 अपॉन 2 और सेकेंड है माइनस वन माइनस आयोटा रेडिकल 3 अपॉन में 2। अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यूज बहुत बड़ी हैं, इन वैल्यूज को हम शॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये हमारे पास माइनस वन प्लस आयोटा रेडिकल 3 अपॉन 2 को हम इक्वल रख देते हैं ओमेगा के। ये हमारे पास एक ग्रीक लेटर है ओमेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि माइनस वन प्लस आयोटा रेडिकल 3 अपॉन 2 इक्वल है ओमेगा के। अच्छा, यहां पर शायद ये नजर नहीं आएगा इसलिए मैं इसको जो है वो नीचे करके लिख देता हूं कि यहां पर जो मेरे पास ये है, यानी कि x मेरे पास है माइनस वन प्लस आयोटा रेडिकल 3 अपॉन में 2, हमें इसको ओमेगा के इक्वल ले लेता हूँ, और जो मेरे पास सेकंड वैल्यू है माइनस वन माइनस आयोटा रेडिकल 3 अपॉन में 2, इसको हम ओमेगा स्क्वायर का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो यहाँ से 1 है, सेकंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास यहाँ से जो है वो ओमेगा है, एंड जो थर्ड है वो ओमेगा स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, हमारे पास जो यूनिटी की क्यूब रूट्स आ गई हैं वो क्या आ गई हैं, एक वन आई है, सेकंड ओमेगा आई है, और थर्ड जो है वो ओमेगा स्क्वायर आई है। सो ये हमारे पास क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। आई होप कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, यूनिटी की क्यूब रूट्स किस तरह से फाइंड की जाती हैं वो भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आप लोगों को समझ में आ गया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।